कैसा भी मौसम हो, जगह कोई भी हो, परिस्थितियाँ जैसी भी हो, समय कुछ भी हो, इंडियन आर्मी इज ऑलवेज रेडी टू गिव देयर बेस्ट फॉर द नेशन, सैल्यूटिंग द सैक्रिफाइसेस एंड ब्रेवरी ऑफ आवर रियल हीरोज। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। गुरूर है तुम में, अच्छा तो बहुत गुरूर है तुम में, इसे जरा संभाल के रखो। अच्छा तो बहुत गुरूर है तुम में, इसे जरा संभाल के रखो, और मर जाऊंगा तुम्हारे बिना मैं, चलो ये वहम भी पाल के रखो। बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही गुजर जाएगी, अब तो बस उलझन है साथ मेरे, नींद कहाँ आएगी। सुबह की किरण न जाने कौन सा संदेश लाएगी, रिमझिम सी गुनगुनाएगी या प्यास अधूरी रह जाएगी। बड़े गुरूर से उसने कहा कि हमें भूल जाओ, बड़े गुरूर से उसने कहा कि हमें भूल जाओ। हम भी नवाब थे, मुस्कुरा के पूछा कौन हो तुम। दूसरों से जलने वाले हम नहीं, और हमसे जलने वाले कम नहीं। शहादत का नशा सबके लहू में हो नहीं सकता, शहादत का नशा सबके लहू में हो नहीं सकता। ये नजराना हमेशा साहिबे ईमान देते हैं, ये नजराना हमेशा साहिबे ईमान देते हैं, और वतन से प्यार करने का दावा सभी तो करते हैं। वतन को चाहने वाले वतन पर जान देते हैं। हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, कुदरत ने सिला उसका आखिर तुझे दिया है। दुनिया शिकस्त तेरी सरे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं मेरा नाम सुनकर। तो फिर तू किस खेत की मूली है? हजारों जानवर जंगल में रहते हैं,
लेकिन जो गरजता है वो सिर्फ शेर होता। हर आने वाले तूफान से पहले एक जानलेवा खामोशी छा जाती है। तुम हम गलत अल्फाज पसंद नहीं करते, हम तुम नहीं आप हैं। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। मां, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं मेरा नाम सुनकर, तो फिर तू किस खेत की मूली है? हजारों जानवर जंगल में रहते लेकिन जो गरजता है वो सिर्फ शेर होता। 90% डूड अनफिट है, आना मेरे साथ जरा 10-20 किलोमीटर दौड़ो, तुम्हारी कहां से हवा निकलेगी पता है। या वी कूल मैन, अबे रैपटा पड़ेगा कूल मैन, सामने वाला थप्पड़ मारेगा, तू करते रह जाना हिलते, प्रॉब्लम होनी है दोस्त, आप इन्फ्लुएंस हुई है। लेकिन ये कूल कल्चर में ड्रग्स कहां से आ गई? कुछ लोगों ने शंकर भगवान को बदनाम कर मारा चर्सियों गंजेड़ियों ने, गांजा पियेंगे बोले बम बम बोले, लात पड़ेगी मुंह पे, वो नशा नहीं है जो होता। आप अपनी कंप्लेन करते रहेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि जब आप एक अच्छे रास्ते पर चलते हो तो सबसे पहले लोग आपको निग्लेक्ट करेंगे, दूसरा जब आप कोई बड़ा काम करते हो, जब लोगों की बिसात हिला दोगे तो लोग आपको झूठा साबित करेंगे, फिर भी आप अगर आगे बढ़ते हो तो लोग आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे, और आप अपना काम करते रहो चौथे नंबर पे वो सब मिट चुके होंगे और आप अपनी जगह पर पहुंच चुके होंगे। तो ये एटीट्यूड चाहिए पड़ेगा, आप अपना काम करते रहो, दुनिया की परवाह मत करो, अपने माँ बाप की अपने परिवार की परवाह करो। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। हमें तो पबजी ने बर्बाद किया, टिकटॉक में कहां दम था। हमें तो पबजी ने बर्बाद किया, टिकटॉक में कहां दम था। हम भी फैजू और मंजूर की तरह फेमस हो सकते थे, हम भी फैजू और मंजूर की तरह फेमस हो सकते थे, पर हमारे बाप के जूते में ज्यादा दम था। 4 साल से इन पहाड़ों में पड़े हो, इंसानों के बीच रहने की आदत छूट गई होगी। एडजस्ट कर लूंगा सर। कमांडो, 7 दिन है तुम्हारे पास, 8वें दिन की पहली किरण, यूनिट, डायरेक्ट, यूनिफॉर्म और मैं तुम्हारा इंतजार करेंगे। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आंख गुइया, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा।
स्ट्रगलिंग भाषण देने वाली लाइफ पसंद नहीं, ही डजंट लाइक इट। पर सही भी तो है, मुझे मालूम नहीं तुम्हारी मां ने तुम्हें क्या सिखाया, लेकिन मेरी मां ने मुझे यह सिखाया कि हालात को अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर। कुछ लोग पैरों से नहीं दिमाग से चलते हैं, खुद किसी काबिल नहीं इसलिए दूसरों से जलते हैं। कुछ लोग मेरी बुराई करते रहते हैं, उन्हें लगता है मैं उन्हें छोड़ दूंगा। माना शरीफ हूं लेकिन सनकी भी हूं, जिस दिन पकड़ूंगा घमंड और मुंह दोनों तोड़ दूंगा।